नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल DTH Tricks World में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही सस्ते 4K Android box की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके बताऊंगा, तो आप ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिए। तो इस तरह की पैकिंग में आता है और ये बॉक्स निकलता है। और दोस्तों ये बॉक्स भेजा है मुझे gearbest.com ने, और बॉक्स के ऊपर जियो का लोगो वो मैंने अलग से लगाया है। यहाँ पे इस तरफ यू प्लग लिखा हुआ है और बॉक्स के ऊपर स्मार्ट डिवाइस लिखा हुआ है। इसकी सहायता से आप अपनी किसी भी नॉर्मल टीवी को, चाहे वो LED हो या CRT टीवी हो, उसको स्मार्ट टीवी बना सकते हैं। और इसके अंदर आप 600 से भी ज़्यादा चैनल है वो बिल्कुल फ्री टू एयर देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको ये कंटेंट निकलते हैं, एक बॉक्स निकलता है, यूज़र मैनुअल निकलता है, रिमोट निकलता है, HDMI केबल निकलती है और एक पावर अडैप्टर निकलता है। इसकी पूरी जानकारी पाने के लिए आप वीडियो पूरी ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना ना भूलें। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताएं। बॉक्स के अंदर जो भी कंटेंट निकले हैं वो यहाँ पे रख दिए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल है इसका, और इसके अंदर आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। पूरा सिस्टम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि कौन सी फाइल ये सपोर्ट करता है, और 4K सपोर्ट करता है दोस्तों, 4K आउटपुट देता है ये वीडियो, और 3D मूवी है। अगर आप 3D मूवी देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, इसमें सपोर्ट करती है। और ये एक पावर अडैप्टर है जो कि 5 वोल्टेज का है, देख सकते हैं आप यहाँ पे इसकी रेटिंग वगैरह लिखी हुई है। 5 वोल्टेज 2 एम्पियर का आउटपुट देता है ये, और इसकी पिन देखते हैं EU प्लग का है, और ये एक HDMI केबल है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, देख सकते हैं आप, गोल्ड प्लेटेड है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आती है। और ये है इसका रिमोट जो कि देख सकते हैं आप, स्मार्ट बॉक्स का जो रिमोट होता है बहुत ही अच्छा रिमोट होता है, देख सकते हैं आप। इस पे कुछ इस तरह के बटन हैं ऊपर, और यहाँ पे आपको माउस का बटन भी दिख जाता है। पीछे आपको AAA के 2 सेल डालने होते हैं जो आप देखते हैं यहाँ पे। और ये है हमारा जो मेन बॉक्स है, देखते हैं आप। बॉक्स के ऊपर अल्फावाइज कंपनी की ब्रांडिंग की हुई है और एंड्रॉयड 8.1 यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पे आपको डिस्प्ले दिखाई देती है सामने, साइड में आपको SD कार्ड के स्लॉट हैं और 3 USB पोर्ट हैं जो कि आप यूज़ में ले सकते हैं। पीछे की तरफ आपको एक और USB पोर्ट मिल जाता है, SPDIF का पोर्ट मिलता है, AV का पोर्ट मिलता है, HDMI का पोर्ट यहाँ पे मिलता है, LAN केबल आप यहाँ पे लगा सकते हैं, और DC आप सप्लाई यहाँ पे देख सकते हैं। और नीचे की तरफ आपको ग्रिल मिलती है, और TV बॉक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मॉडल अल्फावाइज A8, मेमोरी 2GB और स्टोरेज 16GB, OS एंड्रॉयड है, और इनपुट इसमें 5 वोल्टेज DC है 2 एम्पियर, और बहुत ही अच्छा बॉक्स है ये। gearbest.com ने मुझे भेजा है रिव्यू के लिए। अब मैं इसे अपने TV से कनेक्ट करके इसका जो इंटरफेस है वो बता देता हूँ कि किस तरह का आपको मेन्यू मिलता है, तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ में। तो यहाँ पे देखिए मैंने बॉक्स कनेक्ट कर दिया है और मैं बॉक्स को पावर ऑन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया है यहाँ से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले में इसकी ब्लू लाइट ऑन होती है। अब मैं आपको TV स्क्रीन पर ले चलता हूँ और बता देता हूँ कि किस तरह का इंटरफेस मिलता है। जब बॉक्स ऑन होता है तो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देता है एंड्रॉयड जो कि लिखा हुआ आता है यहाँ पे, देख सकते हैं आप, और बहुत ही अच्छी तरीके से ऑन होता है। और जो इसका होम पेज है उसका इंटरफेस भी बहुत ही अच्छा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ऑन हो चुका है, वाईफाई से कनेक्ट हो चुका है, और पूरा सिस्टम यहाँ पे दिखाई देता है। माई एप्स में आपको कुछ इस तरह के ऐप हैं वो दिखाई देते हैं यहाँ पे। DLNA भी ये सपोर्ट करता है, वाईफाई डिस्प्ले सपोर्ट करता है, और कोई भी ऐप आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट। फाइल एक्सप्लोरर में कुछ इस तरह के आपको इंटरफेस मिलता है जो आप देख सकते हैं। अगर आपने USB डिवाइस लगाया है तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाता है। और सेटिंग में आपको यहाँ पे देखते हैं नेटवर्क में वाईफाई जो मैंने कनेक्ट कर रखा है वो यहाँ पे आप देखते हैं, और भी बहुत सारी सेटिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है पूरी की पूरी, जो कि एक एंड्रॉयड मोबाइल में होती है वो पूरी की पूरी यहाँ पे मिलती है आपको। अबाउट सेक्शन में आप देखते हैं डिवाइस नेम TV बॉक्स है, जो इसकी रैम है वो 2GB की रैम है, वर्जन है एंड्रॉयड वर्जन 8.1.0, ओरियो पे ये रन करता है आप देखते हैं यहाँ पे। और अप्रैल महीने का सिक्योरिटी पैच है जो कि आप सॉफ्टवेयर भी इसका अपडेट कर सकते हैं। और जो आपको स्टोरेज मिलती है वो दोस्तों 16GB में से 12GB अवेलेबल है, 12GB आप यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको प्ले स्टोर मिलता है जिससे आप कोई से भी ऐप और गेम है वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, और हाई क्वालिटी के गेम इसमें आप प्ले नहीं कर सकते। और रिमोट से आप माउस का बटन है वो दबा के इसको माउस की तरह भी ऑपरेट कर पाएंगे। प्ले स्टोर की तरह आपको एक और ऐप स्टोर मिल जाता है जो कि एपटॉय TV है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐप्स मिल जाते हैं जो कि एक स्मार्ट TV के लिए यूज़ होते हैं। आप यहाँ पे कोई सा भी जो
एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें से। फिर आपको यूट्यूब मिलता है, यूट्यूब की कनेक्टिविटी है बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा इंटरफेस है इसका। और मैं यहाँ पे अपना चैनल सर्च कर लेता हूँ और आपको वीडियो प्ले करके बता देता हूँ। दोस्तों जो इसका वाईफाई है उसकी कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है, कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं होती है बिल्कुल भी। और यहाँ पे देखते हैं जो वीडियो है यूट्यूब के, वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं आप। और बहुत ही अच्छा इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देता है यूट्यूब का। और ये आपको ऐप्स मिल जाते हैं, नेटफ्लिक्स भी इसमें मिल जाता है। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो और साथ में बेल आइकन को भी दबाओ ताकि मेरे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड कोई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।